हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे कलर कोडिंग पर। रेजिस्टेंस का जो कलर कोडिंग है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात ये होती है कि भाई हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो हैं या रेजिस्टर्स जो होते हैं उन पर सर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की रिंग्स बनी होती हैं। उन रिंग्स के अकॉर्डिंग हम सर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं कि वह कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस है। पॉइंट क्लियर है? तो भाई हमने देखा कि वहाँ पर हमारे पास एक डायलॉग होता है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, यही होते हैं भाई। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कलर कोड के नंबर्स को याद करने के लिए हमारे पास ये शॉर्ट ट्रिक है जो हमें अच्छे से याद होना चाहिए। और अगर हम देखते हैं कि भाई गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर के लिए हमारे पास आ जाता है 5%, 10% और सर नो कलर के लिए आपका 20%। पॉइंट क्लियर? सो बेटा यहाँ पर हमें ये एग्जांपल दिया हुआ है जो कई बार एग्जाम में आया हुआ है, नीट एग्जाम में भी आया है और आपके जेई एग्जाम्स में भी आया है, ठीक है। एनडी एग्जाम्स में भी कई बार ये क्वेश्चन आपको दिया जा चुका है, तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात ये होती है कि सर जो हमें ये दिया हुआ है वो 47 प्लस माइनस 4.7 किलो ओम में दिया हुआ है। अच्छा, हम लोग क्वेश्चन करने के बाद या इस टाइप के क्वेश्चन हमने कई लगाए होंगे, राइट ना, दो उनको प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें समझ में आ जाती है कि सर 47 दिया हुआ है, दैट्स वाई 4 जो है येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 वायलेट को रिप्रेजेंट करता है, राइट ना। और यहाँ पर हम देखते हैं किलो ओम, अगर किलो ओम है तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि 10^3 होगा, जो कि सर ऑरेंज कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट ना। अब यहाँ पर पेज किस बात का फंसा हुआ है सर, कि यहाँ पर हमें क्या नहीं मिल पा रहा है, तो बेसिकली हमें सर यहाँ पर परसेंटेज नहीं मिल पा रहा है। पॉइंट क्लियर है? चलिएगा, तो हम उसको एक बार सिंप्लीफाई करते हैं और उस परसेंटेज को निकालते हैं। देखिएगा बेटा, हम देखेंगे 47 किलो ओम को इधर ही लिख दो, किलो ओम प्लस 4.7 किलो ओम हमने ये लिख दिया सर। अब बेटा हम इसको करते हैं 47 इंटू 10^3 ओम, ओके फाइन। प्लस अगर मैं इसको भाई ये जो लिखा हुआ है इसको परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यही हमारी भाई सिक्वेंस क्या होता था, रेजिस्टेंस, रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस हम लिखते हैं वो किस सिक्वेंस में लिखते थे सर, ए बी इंटू 10^C प्लस माइनस डी परसेंटेज, यही फॉर्म होता था, राइट ना, कलर कोडिंग का, कलर कोड, ठीक है। सो यही फॉर्म में हमें लेके आना है। तो देखिएगा, हमें पता है कि सर ये लास्ट वाली को हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो ये परसेंटेज किसके साथ चेंज कर सकते हैं, तो देखिएगा 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4700 आ जाएगा, ओके। और अगर इसको मुझे परसेंटेज में चेंज करना है तो हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे सर, मेन रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। तो ये कितना है बेटा मेरे पास, इतना इंटू 10^100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा मेरे पास, रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस बन गया बेटा तो देखिएगा ये आ जाएगा 47 × 10^3 प्लस माइनस कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से निकल के, ये सर ये आ जाएगा 10%। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, राइट ना, या रजिस्टर है, वो किस कलर की रिंग्स होंगी उस पर, तो हम कह सकते हैं कि सर 4 के लिए येलो कलर होगा, 7 के लिए वॉयलेट कलर होगा और 10^3 जो है वो ऑरेंज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, और 10% बेटा आपको सिल्वर को रिप्रेजेंट करता है, राइट ना, किसको रिप्रेजेंट करता है, सिल्वर को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट क्लियर है? तो आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है।